अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अब्दुल्ला। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिस में। यहां पर जो पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान हैं वो सर्विलेंस कर रहे हैं। इस सर्विलेंस के दौरान वो फेक नंबर प्लेट की जो गाड़ियां हैं उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं, फेक नंबर प्लेट की गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट, इसके अलावा टेम्पर्ड जो गाड़ियाँ की जाती हैं उनकी नंबर प्लेट्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ के अफसरान उसकी सर्विलेंस करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह गाड़ियाँ जो टेम्पर्ड नंबर प्लेट होता है इस्लान से बचने के लिए उसको भी वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और फील्ड फोर्स से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, वो फील्ड फोर्स से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, फेक नंबर प्लेट को गाड़ियों को किस तरह राउंड अप करवाया जाता है, किस तरह उनके खिलाफ चालान की ई टिकटिंग जारी की जाती है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह वो ये सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो फेक नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं उसको आप किस तरह राउंड अप करते हैं, सर्विलेंस किस तरह करते हैं? ये एक्चुअली हम देखते हैं अपने कैमरास जो हमें असाइन हैं उसमें अगर कोई गैर नमूना नंबर प्लेट की व्हीकल हो या कोई विदाउट नंबर हो जिसकी वजह से ई चलान से वो बचना चाह रहा हो उसको हम जूम इन करके देखते हैं, उसकी डिटेल लेते हैं पहले एक साइज सेटा में, अगर एग्जिस्ट ना करी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा, फील्ड फोर्स से आप किस तरह रब्ता करते हैं? बेसिकली ये जो प्लेट्स की जो कार्रवाई है ये ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मा है, तो हम ट्रैफिक पुलिस जो नियरेस्ट उस पॉइंट पे अवेलेबल होती है उसे डिस्पैच करते हैं, मौसी सिग्नल पे ये हम प्लेट्स को रिमूव करवाते हैं अगर गैर नमूना हो या फैंसी हो या कोई और चीज़ जो कवर कर रही हो उस प्लेट को तो उसको रिमूव कराया जाता है ताकि वो ई चलान से ना बच सके, अगर उसकी नंबर प्लेट जाली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जो फील्ड फोर्स है, फील्ड फोर्स इसको राउंड अप करती है, राउंड अप के बाद क्या प्रोसेस होता है? अगर तो उसकी फैंसी प्लेट है उसे वार्न भी कर सकती है, उसे चलान भी कर सकती है। अगर तो उसकी प्लेट जाली है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, उसके खिलाफ FIR की जाती है। विदाउट नंबर प्लेट के जो है क्या क्या कार्रवाई होती है? विदाउट नंबर प्लेट में हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी नहीं है तो उससे एक्साइज की वो चिट मांगी जाती है कि उसने अप्लाई किया हुआ एक्साइज डाटा के लिए, अगर तो अप्लाई किया होता है तो उसे कह दिया जाता है कि इस गाड़ी को यूज़ ना करें अनलेस आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप उसे प्लेट पे जो एक्साइज का पैटर्न है उसके मुताबिक लगा लें, अदरवाइज़ अगर रिकॉर्ड में ना हो मतलब देर से चला रहा है एक साल से उसने अप्लाई भी नहीं किया तो फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। हमारे साथ एक और पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं ड्यूटीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको कॉल रिसीव होती है फेक नंबर प्लेट की या OMC से आपको ये बताया जाता है कि सर्विलेंस के दौरान फेक नंबर प्लेट की गाड़ी है तो उसको आप फील्ड फोर्स किस तरह डिस्पैच करते हैं? ये सिंपल सा है इसका तरीका कि हमारे पास कैट जनरेट होकर आता है, ठीक है, क्योंकि कॉल आए 15 पे इसकी फेक नंबर प्लेट या फिर किसी ने दूसरे ने मतलब टोटली क्लोन नंबर प्लेट लगाई हुई किसी गाड़ी की, तो हम उसके जो पुलिस स्टेशन होता है रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन उसकी फील्ड फोर्स हमारे पास हम तमाम चार्ट्स अवेलेबल हैं जिस अवेलेबल है उसके ऊपर हमारे पास फील्ड फोर्स हो रही होती है तो हम उसी के मुताबिक उनको डिस्पैच कर देते हैं, उनके हमारे पास LT सेट नंबर्स की लिस्ट भी है और हमारे पास वायरलेस के थ्रू भी हम उनको डिस्पैच कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे बताइएगा कि अगर आपको विदाउट नंबर प्लेट या फेक नंबर प्लेट या टेम्पर्ड नंबर प्लेट के खिलाफ कॉल मौसूल होती है, कैड आपको मौसूल होता है, तो आप फील्ड फोर्स को किस तरह कॉल पढ़ाते हैं, किस तरह फील्ड को डिस्पैच करते हैं? जी, हमारे सबसे पहले तो होता है कि डॉल्फिन वहाँ पहुँचे, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स है डॉल्फिन का वहाँ, तो हम कोशिश करते हैं डॉल्फिन वहाँ पहुँचे, फिर वो चेक करते हैं कि ये वाकई फेक नंबर प्लेट है या इसका रिकॉर्ड आता है या नहीं आता, अगर वो वाकई फेक है तो फिर थाने वालों को पास करते हैं ताकि वो थाने वाले ले जाएं, और अगर ऑनर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऑनर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो थाने वाले उसे अपने पास रखते हैं जब तक कि उसका ऑनर नहीं मिलता। फिर फील्ड फोर्स से आप किस तरह रब्ता करते हैं? जी, हमारे पास यहाँ कंट्रोल है जिस पर हम रब्ता करते हैं, यहाँ हमारे पास उनके LTE सेट के नंबर हैं जिन पर हम उनसे रब्ता करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अफसरान यहाँ पर किस तरह विदाउट नंबर प्लेट, फेक नंबर प्लेट और टेम्पर्ड नंबर प्लेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं।
हमें एक अच्छा शहरी होने के साथ ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हुकूमत के बनाए गए कानून को फॉलो करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।